बिल्कुल काला गन्ना खड़ा है। और किसान भाइयों, ये इनका ट्यूबवेल है, कितनी बढ़िया नाली बना रखी है इन्होंने। ये इधर पेडी है, बिल्कुल काला खड़ा है। अगर भाइयों ऐसी पैदावार हो तो फिर क्या कहने। ये भी पेडी है, ये भी पेडी है, दोनों ज़बरदस्त हैं। ये हमारे 7.25 के हिसाब से 105-110 कुंटल का निकल जाएगा। और ये 28-30 इंच पे बोया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पूरा चक ऐसे ही लगा खड़ा है। ये दूसरे की पेडी है, ये भी दूसरे की है। रही लागत की बात, लागत का तो कोई हिसाब ही नहीं किसान का। किसान तो रंग देखता है, जरा सी फसल उदास दिखाई दी, देह कट्टे, देह दवाई, खाद पानी की देह मार रखता है। अगर किसान एक एक पाई का हिसाब लिखे तो लामपेट बराबर ही होता है, बचत कुछ नहीं होती। वो तो हमारे यहाँ मील का रेट है 325 रुपये का, अगर कलेसर पर होता वही 150-200 का तो किसान ठोड़ मर जाता। जिन भाइयों का गन्ना बहुत सस्ता जा रहा है उनके जी से पूछिए। ये इधर फागण का पौधा है, देखिए फंसा खड़ा है। ये इन्होंने वही बो रखा 30 इंच पे, ये बंधवा दिया। पूरा चक इनका ऐसे ही भरा खड़ा है, काफ़ी ज़मीन है इनके पास में। यहाँ से वहाँ तक कहीं भी चले जाओ, चारों चूड़ बराबर खड़ा है। अब देखिए इसमें कितनी लागत लगी होगी किसान की। हर किसान की अपनी अपनी सोच है। ट्यूबवेल का बिल इतना बढ़ गया है, मैं पूछो मत ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अभी ये मत सोचना आप कि किसान चुप बैठ गया, अभी यहीं का बंध गया, जब दोबारा बंधेगा किसान फिर बढ़ेगा, खेत में कट्टे लेगे, फिर डालेगा यूरिया। मतलब जब तक मील पे जाती है फसल किसान लगा रहता है। फिर किसान के मन में ये लालच आता है कि एक बार यूरिया और लगा दे, खड़ी ईंख में पौधे बहुत बढ़िया फूटेंगे, छल्ला उसे पौधे छुड़वा लिए, अगले साल की फसल और भी अच्छी होगी। लालच गुजारा, लालच नहीं करेगा पैदावार का तो गुजारा नहीं होगा। गुजारा जब होगा, जब फसल होगी, और फसल जब होगी जब पूरी लागत लगेगी। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। नमस्कार भाइयों, ये पेडी है, ये पेडी है बहुत तकड़ी। पिछले साल इसमें पौधा था 38। इधर जो ये चारा खड़ा है, इससे पहले इसमें मक्का काट चुके हैं ये। ये सिवाय के अनिल योगिंदर जी का फार्म है बहुत बड़ा। ये धान खड़ी है, इसके बाद में ये आलू की खेती करेंगे। ये गन्ना नहीं बोते, इनके 250-300 बीघे ज़मीन अपनी, आलू धान मक्का तीन फसल लगते हैं। और ये इनके परिवार के हैं, वकील साहब और उनके भाइयों का। ये वकील साहब के दूसरे भाई का चक है, गांव सिवाया। ये सिवाया में पूर्व प्रधान जवाहर सिंह का मकान है। भाइयों ये गांव सिवाया है,
हमारे गांव से 2 किलोमीटर। हमारा रास्ता दूसरा है, लेकिन आज हम इधर को जा रहे हैं, इधर को भी निकल जाते हैं। ये इधर अरहर खड़ी है, हेड बोलते हैं देसी भाषा में अरहर। ये तो भांगर बथवा आ गया था, सब लोग खो दिया इसने। अब हम सिवाय गांव में एंट्री हो गए हैं। यहाँ से राइट को घूमेंगे इस साइड को और सीधे बिजली घर पहुँच जाएंगे। ये कई रास्ते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी से भी हमारे गांव का रास्ता आया है और एक बिजली घर से भी आया है। ये राजेश सिवाय का घर है, ये सारे मकान इनके परिवार के हैं। जितेंद्र प्रधान जी का, अब जितेंद्र प्रधान सिवाय का घर आने वाला है। ये जितेंद्र प्रधान की कोठी है, ये इनका घेर है जो थोड़ा ज्वार वगैरह बोल लेते हैं पशुओं के लिए। ये इनकी हवेली है जितेंद्र प्रधान सिवाय। कई योजना से यही प्रधान बने आ रहे हैं। ये देखिए क्या शानदार मकान है। ये इनके भाई बड़े भाई का मकान है। पार निकल जा रहा, ये रास्ता सीधा बिजली घर जाएगा। मैं आज आपको सारी लोकेशन बता देता हूँ। हमारे गांव पवरसा में आने के कई रास्ते हैं, दोराले की तरफ से भी आता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जाता है और सिवाय से भी जाता है। एक सिवाय के बीच में को भी निकलता है, लेकिन वहाँ भीड़ ज़्यादा होने लगी। और ये सबसे अच्छा रास्ता गाड़ी वगैरह के लिए। ये सिवाय बिजली घर है भाई, ये सामने काफी बड़ा है। ये सिवाय जोगिंदर फार्म यहाँ तक टच हो रहा है, यहाँ तक है। काफी घूमने के बाद भी काफी बड़ा फार्म है, इनका बाग है। और इधर बिजली घर है, सिवाय बिजली घर। अब भाइयों ये सामने रोड आ गई है जो राइट साइड को तो यूनिवर्सिटी में जाएगी और लेफ्ट को मोदीपुरम की तरफ। ये वही यूनिवर्सिटी और बिजली घर का रास्ता है जो इधर हमारे घर की तरफ जाता है और इधर सीधा जीटी रोड पे जाएगा। कभी आना हो तो सीधा यहाँ को आए, जो रास्ता मैंने दिखाया है वहाँ को घूम सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार।